आज वैभव गहलोत जी के नामांकन में जो आप सब यहां पर उपस्थित हुए हो, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आज माहौल यहां मुझे दिख रहा है जोधपुर के अंदर, जिस जोश उत्साह से आप सब लोग यहां अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हो, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, ये लोकसभा के चुनाव विशेष हैं। ये लोकसभा के चुनाव देश के चुनाव हैं। इन चुनावों से आने वाले 5 साल में कौन सी सरकार आपकी सेवा करेगी, इसका निर्णय आप लोगों को करना है। लोकसभा के चुनाव मुद्दों पर होने चाहिए जो राष्ट्र के, देश के, समाज के प्रासंगिक मुद्दे हों, और इसी को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी किया है, जो जनता से हमने वादे किए हैं, वो वादे हैं जो आम जन के जीवन को प्रभावित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में सत्ता में रहने के बाद कल जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी 2022 में ये करेंगे, 2023 में ये करेंगे, लेकिन पिछले 5 साल का लेखा जोखा मोदी साहब को, अमित शाह जी को देना चाहिए था। 5 सालों में इस देश में, इस प्रदेश में क्या हालात उत्पन्न हुए, यहां पर हम अच्छी तरह जानते हैं। आज राजस्थान की जनता का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि 3 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए, आप सबके आशीर्वाद से हमारी पार्टी जीती, कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें जोधपुर का, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का, मारवाड़ का, आप सब लोगों का जो आशीर्वाद रहा, उसी की बदौलत आज हम सब लोग आपकी सेवा करने के लिए तैयार हुए हैं। विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, जो घोषणाएं हमने करी थी चुनाव के समय, उनको समय से पहले पूरा करने का काम किया। शायद ही किसी सरकार ने इतने कम समय में 100 दिन के अंदर अंदर 18,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की घोषणा, पेंशन की वृद्धि की घोषणा, बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा, पानी के बिल माफ करने की घोषणा, फसल खरीद की, इन तमाम मुद्दों पर काम कर सरकार ने दिखाया है। आज सरकार की कार्यशैली, राहुल जी का देश के प्रति जो संकल्प है, जो घोषणा पत्र है, और इस क्षेत्र ने हमेशा से कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, कांग्रेस का गढ़ है। यहां पे गहलोत साहब कई बार सांसद रहे, इतनी बार विधानसभा चुनकर गए, और अभी जो मंच संचालन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी को साफा नहीं पहनाएंगे। तो मैंने, भाई क्यों नहीं पहनाएंगे, उन्होंने कहा 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा बहुमत अगर लाखों वोटों से सिर्फ इस विधानसभा से जीतेंगे, तब दो साफे हम गहलोत साहब को पहनाएंगे। ये चुनाव इस देश की दिशा को बदल देगा। जो माहौल पूरे राजस्थान में है, हम सब लोग कई जिलों में गए, हर क्षेत्र में बदलाव की हवा है। 2 दिन पहले मैं उत्तराखंड में था, तेलंगाना में था, पूरे समूचे भारतवर्ष में मोदी सरकार को हटाने का लोगों ने प्रण ले लिया है। अखबार में क्या छपता है, टेलीविजन में क्या आता है, अलग बात है, लेकिन इस देश प्रदेश के गांव में, गलियारों में, गली में, मोहल्लों में, खेतों में, नुक्कड़ में जो चर्चा हो रही है, वो ये हो रही है कि 5 साल सत्ता में रहे, ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना 2 करोड़ रोजगार मिले, ना 15 लाख किसी के खाते में आए, और नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद आपने अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया। और हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर, देश के जो सबसे गरीब लोग हैं, राहुल जी ने कहा कि 20% सबसे गरीब परिवार इस देश में जो है, उन सबके परिवारों में जो महिला है, उसके खाते में 72,000 रुपए प्रतिवर्ष हम लोग देंगे। मुझे कुछ पत्रकारों ने बोला देहरादून में कि कांग्रेस पार्टी 72,000 की बात कर रही है, मोदी साहब ने 15 लाख कहा था, आप 20 लाख बोल दो, 25 लाख बोल दो। हमने कहा भाई, अब झूठ वाली पार्टी नहीं है, जो हो सकता है वो भी बोलेंगे। और 72,000 रुपए का जो आंकड़ा है, ये 1 साल तक अध्ययन करने के बाद, राहुल जी ने तमाम दुनिया भर के जो अर्थशास्त्रियों से बात करने के बाद ये कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी आने वाली जो सरकार बनेगी, वो 3.5 लाख करोड़ रुपए सबसे गरीब परिवार के लोगों को देगी, ताकि अर्थव्यवस्था दोबारा चालू हो सके। फिर भाजपा के साथ ही बोलते हैं, ये पैसा लाओगे कहां से,
3.5 लाख करोड़ रुपए आप लेके कहां से आओगे? तो राहुल जी ने ठीक जवाब दिया, उन्होंने कहा अब आप 12 लोगों के उद्योगपतियों के 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हो तो इस देश में जो 20% से सबसे गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए हम 3.5 लाख करोड़ रुपए लेकर आएंगे। मैं भाजपा के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन यूपीए की अध्यक्ष थी, उस समय हम लोगों ने इस देश के सीमांत और लघु किसानों का 72,000 करोड़ रुपए माफ किया था। उस समय बीजेपी के साथी, मैं संसद में था, बोला करते थे भाजपा के लोग, मनमोहन सिंह जी आप किसानों का कर्जा माफ कर रहे हो, बैंकों का दिवालिया निकल जाएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, ये सारे किसान बिगड़ जाएंगे, आप इनका कर्ज माफ मत करो। लेकिन सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने कहा इस बार हम 72,000 करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, इस देश के किसान पे कभी संकट आया, दुविधा आई तो चाहे 2 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े, हम किसान ऋण माफ करेंगे। ये हमने करकर दिखाया, आज राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया। वसुंधरा जी की सरकार 5 साल थी, अभी वैभव जी बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, जो अपेक्षा हुई है जोधपुर की आप सब अच्छी तरह जानते हो। यहां जो विकास कांग्रेस सरकारों ने कराया, गहलोत साहब सरकार ने कराया, उन कामों को बंद करने का काम किया और टेढ़ी नजर से जोधपुर को देखा। मुझे याद है यहां पर व्यापारियों को गोली मारी जाती थी, कितने गोलीकांड यहां पर शहर में हुए, लेकिन मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार को, वसुंधरा जी को कोई सरोकार नहीं था। वो जानते थे कि यहां से हमेशा कांग्रेस जीतकर जाती है, यहां के लोग मूलभूत कांग्रेस को आशीर्वाद देते हैं, इसलिए जानबूझ के पक्षपात किया गया है। यह आप लोगों का चुनाव है और आप सबके भरोसे पर कांग्रेस पार्टी ने वैभव गहलोत जी को टिकट दिया यहां से। अब साथियों, आप लोग अशोक गहलोत जी को अच्छी तरह जानते हो, इतना पुराना नाता आपका है, 4 दशकों का 5 दशकों का। आप मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन दिल्ली में जब चर्चा हो रही थी कि किसको कहां से टिकट देना है, तब जोधपुर की बात आई तो गहलोत साहब ने कुछ कहा नहीं। अविनाश पांडे जी गवाह इस बात के, हमने देखा कौन व्यक्ति यहां से जीत सकता है, कौन कांग्रेस में समर्पित भाव से जिसने काम किया है। आप अशोक गहलोत जी के, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपने 12-15 साल, कोई बात इसलिए बता रहा हूं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सामने वैभव गहलोत की जमानत मैं लेकर आया हूं, इसलिए आप लोगों को तो जिताना है। ये चुनाव राहुल जी को ताकत देने वाला चुनाव है। बहुत सी खबरें छपती अखबारों में, बहुत से व्हाट्सएप आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन हमारे विरोधियों को बताना चाहता हूं, हमारे उन मित्रों को, उन दोस्तों को जिनको अपने घर में झांकने की फुर्सत नहीं है, उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी का संगठन एकजुटता से, मजबूती से काम करेगा और मिशन 25 पूरा करने के लिए हम लोग सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासन 5 साल आप लोगों ने देखा है, संस्थानों को खोखला करने का काम किया, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया है, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, जो भाजपा का विरोध करता है उस पर छापे पड़ते हैं, उसको नोटिस मिलता है, उसका उत्पीड़न होता है। और मैं कल कहीं कह रहा था, मैंने कहा जो भाजपा के विरोध में है वो देश विरोधी, जो मोदी सरकार से सवाल पूछ ले वो राष्ट्र विरोधी, और अपने खिलाफ लोगों की आवाज को दबाने का काम इस सरकार ने किया है केंद्र में। और जैसे ही आप पाला बदल लो, बीजेपी में आ जाओ तो गंगा जल छिड़क देते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये दमन की नीति प्रशासन को, न्यायपालिका को, मीडिया को दबाने की जो नीति है, उसका जवाब कांग्रेस के साथ साथ, कांग्रेस से ज्यादा जनता देगी। पूरे देश में, दक्षिण भारत में तो भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, ये बात मैं आपको बता के जा रहा हूं। लेकिन आज क्योंकि हम जोधपुर में हैं, आपसे निवेदन कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों ने 6 विधायक जिताकर भेजे थे, इसलिए आपका दायित्व है, प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का, आज पूरे प्रदेश भर से हमारे नेता यहां मौजूद हैं,
इन सबसे ज्यादा आप लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है कि कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं, वैभव गहलोत जी को अपना सांसद चुने, दिल्ली भेजें, फिर प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनेगी तो आप लोगों का विकास चौगुनी गति से कर पाएंगे। ये बात निवेदन करते हुए आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूं कि आप भारी तादाद में मौजूद हुए और आप सब लोगों का विश्वास मैं लेना चाहता हूं। एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ना चाहिए और कोई किसी को कहे नहीं, स्वतः ही कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में आप सब लोगों को काम करना है और जीत भी हो साथियों, आपने जीत करा दी और छोटी मोटी जीत हो गई तो पार नहीं पड़ेगी, मोटी जीत हो लाखों से जीत हो, ये आप लोगों का विश्वास मैं लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।